हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने बनाए हैं पनीर के कटलेट्स, जो बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बन के रेडी हुए हैं। अगर आप मेरे कटलेट्स की रेसिपी पाना चाहते हो, बने रहे मेरे वीडियो के साथ। मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से पनीर के कटलेट्स बनाने के लिए। हमने लिए हैं जो आलू, पनीर, शिमला मिर्च, एक प्याज और हरी मिर्च, और इसको डाल देते हैं हम बाउल में। जी, मैंने आलू प्याज शिमला सबको मिक्स कर लिया है और इसमें डाल दिया है मैंने एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच डाल दिया है मैंने काली मिर्च का पाउडर, एक चम्मच डाल दिया है मैंने चाट मसाला और नमक डाल दिया है मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि हमारा जो मिक्सचर है थोड़ा सा पतला है, तो हमने जो ब्रेड ग्राइंड किए हुए हैं इसको आप डाल सकते हो, और इसका हम कलर्स को कोट करने में इस्तेमाल करेंगे। अब हम कटलेट्स तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हम इसको अच्छे से राउंड शेप देते हुए कटलेट्स को बना लेंगे। ये मेरे कटलेट्स पूरे तैयार हो गए हैं। और जो लिया है मैंने मैदा, उसमें डाली थोड़ी सी मिर्च, नमक और पानी डाल के थोड़ा सा घोल बना लूँगी। ये मेरा मैदे का घोल बन के तैयार हो गया है। अब इसको मैं कटलेट को डिप करते जाऊँगी, और जो मैंने ब्रेड का ग्राइंड किया था इसको कोट कर लूँगी। इस प्रकार सभी कटलेट्स को मैं डिप करके कोट करती जाऊँगी। और मैंने पैन में तेल गर्म कर लिया है और इसको फ्राई कर लेते हैं कटलेट्स को। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे कटलेट्स फ्राई होते फट जाते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं फटे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे कटलेट्स बन के तैयारी हुए हैं। देखो ये कितने अच्छे से कटलेट्स तैयार हो रहे हैं। इसको पकाने के लिए टेम्परेचर थोड़ा हम लो ही रखेंगे, नहीं तो ये बीच से थोड़े अच्छे पकेंगे नहीं। हल्के हल्के टेम्परेचर हम इसको पकाएंगे, ये अच्छी तरह से अंदर से कुक हो जाएं। जो मेरे कटलेट्स बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो गए हैं, निकाल लेते हैं हम इसको बाहर। जो मेरे पूरे कटलेट्स बन के तैयार हो गए, देखो कितने अच्छे और क्रिस्पी बन के रेडी हुए हैं। अगर आपको अच्छी लगी जाए मेरी रेसिपी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और मैंने ली है ये ग्रीन चटनी, अब कोई भी चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी हैं और बहुत ही कम समय में तैयार हो जाते हैं। बाय बाय, टेक केयर।